की कोर कमेटी सदस्य एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष मसूद जावेद कादरी का सफर खंडवा में 1977 से समाचार पत्र का वितरण थाकात से शुरू होता है। आप मध्यम परिवार से थे, 5 भाई 3 बहनों में सबसे बड़े, अपनी पढ़ाई के साथ साथ खंडवा में इंदौर के नई दुनिया पेपर का वितरण सिविल लाइन बिट में करते थे। इस काम में आपको प्रत्येक नई दुनिया पेपर वितरण पर 2 पैसा कमीशन मिलता था। दिल्ली सुबह 5 बजे उठकर इंदौर से आने वाली तिवारी बस का इंतजार करते, पेपर उसी बस से आते थे। 100 पेपर सुबह 9 बजे तक बात कर 10:30 बजे जानता। हायर सेकेंडरी स्कूल जाना, 1979 में हायर सेकेंडरी पास की स्नातक परीक्षा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लगातार प्राइवेट परीक्षाएं। एन कॉलेज खंडवा से सागर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। हाकर का काम करते करते लिखने का शौक उत्पन्न हुआ। बरवाहा से श्री रामकिशन जायसवाल, साप्ताहिक विवेक वारी, इंदौर से स्पुतनिक, प्रभात किरण, जबलपुर से दैनिक नवीन दुनिया आदि समाचार पत्र से अपनी पत्रकारिता की। इसी दौरान आपने एक लेख लिखा, सांसद और विधायक के लिए भी परीक्षा एवं योग्यता निर्धारित की जाए। जब IAS IFS के लिए परीक्षा योग्यता निर्धारित है, उन्हें परीक्षा ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तो सांसद और विधायक के लिए भी आयु और परीक्षा निर्धारित की जाए। मसूद जावेद कादरी ने अपनी पत्रकारिता करते हुए साप्ताहिक पत्र के लिए पंजीयन प्रेस रजिस्ट्रार नई दिल्ली को आवेदन दिया। वर्ष 1983 में 23 जून को साहित्यकार अचय वर्मा, राम नारायण उपाध्याय, विधायक दागा चरण मिश्रा और साप्ताहिक अकुश के रामकृष्ण पालीवाल ने प्रथम अंक साप्ताहिक निर्माण शक्ति का विमोचन किया, जिसके संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एम जावेद थे। हमेशा आपकी लेखनी आलोचनात्मक रही। आपने खानवा के कई वरिष्ठ और जाने माने पत्रकारों श्री आर के मंडलोई, कैलाश चंद झावर, इंद्रमणि मिश्रा, रमेश सोमानी, निशिकांत मंडलोई, प्रमोद जैन, अशोक दुबे, रमेश जायसवाल, विजय जायसवाल, राजेंद्र चौहान, रविराज, शंकर महाजन, अज्जू दरबार, सुरेश शर्मा जैसे ख्याति प्राप्त पत्रकारों के साथ मिलकर पत्रकारिता का काम किया। उस समय मुस्लिम में से खंडवा के पहले पत्रकार एम जावेद थे। आपने साप्ताहिक पत्र का 10 वर्ष तक संपादन प्रकाशन किया। आप स्वर्गीय राजेंद्र परिहार, अनुपम शर्मा, अजीत खान के गुरु रहे। एम जावेद ने पत्रकारिता को पेशा नहीं बनाया, बल्कि एक मिशन के तहत पत्रकारिता की कभी समझौता नहीं किया, ना ही कभी बिके और ना ही कभी डरे। 1984-85 में 10 लाख का नोटी बुरहानपुर की नगर निगम में ख्याति प्राप्त महापौर ने निगम का आलोचनात्मक समाचार नाम के साथ छापने पर 10 लाख का नोटिस दिया था। उस नोटिस के जवाब में एम जावेद ने 4 लाइन लिख भेजी कि उक्त समाचार जनहित में प्रकाशित किया गया है, इस पर आपको कोई स्पष्टीकरण देना हो तो दे सकते हैं, अन्यथा आप मानहानि की अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसी तरह खंडवा आबकारी विभाग के एक कर्मचारी का भ्रष्टाचार छापने पर 1,50,000 के मानहानि का नोटिस और माफी मांगने को कहा, पर एम जावेद कभी झुके नहीं। मंत्री, सांसद, विधायक, उच्चाधिकारियों के आलोचनात्मक समाचारों का प्रकाशन किया, कभी डरे नहीं। मिशन को लेकर अपने समाचारों का प्रकाशन करते रहे। एक मर्तबा एक पुलिस अधिकारी ने सिपाही के हाथों रुपयों का लिफाफा भेजा, आपने उसे स्वीकार नहीं किया, सिपाही के हाथों वापस लौटा दिया। आलोचनात्मक लेखनी से पिता नाराज। आपकी आलोचनात्मक लेखनी से उनके शिक्षक पिता स्वर्गीय शेख मकसूद हमेशा नाराज रहते थे। इस कारण 1989 में आपने साप्ताहिक निर्माण शक्ति का प्रकाशन बंद कर दिया एवं बैंक में नौकरी कर ली। 27 वर्ष नौकरी करने के बाद 2021 में रिटायर हुए। 2022 में 27 जून को हज यात्रा पर गए, 5 अगस्त 2022 को वापस आए। 27 वर्ष बाद पुनः पत्रकारिता से जुड़ गए। इंदौर के आज तक 24 चैनल से जुड़कर पत्रकारिता पुनः शुरू की। दिल्ली के राष्ट्रीय दैनिक समाचार JPN 7 से जुड़े जिला ब्यूरो चीफ के साथ पुनः पत्रकारिता शुरू की। 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित वॉइस ऑफ मीडिया के पत्रकारों के राष्ट्रीय अधिवेशन में गए, वहां एम जावेद को मध्य प्रदेश स्टेट अध्यक्ष नियुक्त किया। मसूद जावेद कादरी ने 27 अगस्त 2023 को वॉइस ऑफ मीडिया का खंडवा के गोरीकुंड सभागृह में राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया। मध्य प्रदेश में वॉइस ऑफ मीडिया के 39 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, 21 जिलों की कार्यकारिणी तैयार कर ली है और आपने मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। श्री जावेद की संगठन के लिए कार्यशैली से वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप काले सर मुंबई ने जनवरी 2024 में वॉइस ऑफ मीडिया की कोर कमेटी में स्थान दिया।
ये थी हाकर से मध्य प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन में कोर कमेटी सदस्य तक की गाथा।